अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है भाई? कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? कल पाकिस्तान और वर्सेस इंडिया का मैच देखा, सुकून मिला, मैच उड़ गया। बहुत आए हो आप लोग यार, मतलब किस तरह गेमिंग हो रही है यार, पाकिस्तानियों का समझ में नहीं आ रहा गेम किस तरह खेले जा रहे हो आप लोग यार। खुश तो खेलो, अच्छा नहीं खेल रहे, कम से कम मुकाबले का टक्कर तो दो यार। तुम लोग तो वाकई में अगर नदरलैंड के साथ गेम खेलते हो तो नदरलैंड के लेवल के चले चले जाते हो, या फिर आप वेस्ट इंडीज के साथ खेलते हो तो वेस्ट इंडीज के लेवल पे चले जाते हो, या किसी के भी मैच खेलते हो तो उसके लेवल पे एटलीस्ट आप चले जाते हो। नदरलैंड के साथ आप खेल लेते भाई, मर मर के आप लोग जीते, तो इंडिया के लेवल पे आप आते तो इंडिया के लेवल पे खेलते यार। गेम खेला क्या खेला आप लोगों ने यार, पूरा संडे हम लोगों का खराब कर दिया यार। लोगों को भी बस मजे, पाकिस्तान नंबर वन, ये वो, बाबर आजम भाई। बाबर भाई आपने एक बात कही थी, ग्राउंड में जवाब दूंगा। भाई वो कौन से ग्राउंड में जवाब दोगे हमें ये तो बताओ, पाकिस्तान के ग्राउंड में जवाब दोगे या किसी और जगह पे आप जवाब दोगे? भाई बताएं तो सही, आखिर क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मतलब इतनी परफॉर्मेंस अच्छी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यार, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कौन देता है आउट होने में, बॉलिंग होने में, अनबीटेबल। बहरहाल इंडिया मैच जीत गया, मुबारक हो इंडिया वालों को भाई, आप लोगों ने एफर्ट्स किया, आप जीतेंगे। हमारे पाकिस्तानियों से एफर्ट नहीं होता। ज़का अशरफ का भी कोई सीन का पता नहीं चला। ज़का अशरफ भाई, ज़का भाई क्या सीन है भाई? लोग बोलते हैं मैच फिक्स है क्या यार, अब अल्लाह बेहतर जानता है यार। 155 पे आपके तीन आउट थे, रन रेट भी आप लोगों का सही चल रहा था 5.5 का यार। थोड़ा टुक टुक कर लेते, जहां पे आप लोगों को टुक टुक करना होता है वहां आप लोग टुक टुक करते ही नहीं, आउट पे आउट हो जा रहे हो, और जहां पे आप लोगों को टुक टुक नहीं करना है वहां पे आप टुक टुक करते हो। भाई समझ से बाहर है पाकिस्तान की टीम की। भाई आप लोगों को कैसा लगा मैच भाई? अब इरादे हैं आगे के मैच देखने के? भाई मेरे तो अब नहीं है, बस यहाँ से गेम खत्म। और दूसरा भाई अफसोस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, समझ में नहीं आ रहा उनके साथ भी क्या हो गया। मुझे लग रहा है वहां पे भी इन लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी अपने चाचे मामे कजन वगैरह इन लोगों ने एड कर दिया भाई। चलो जिस तरह बाबर आजम या फिर किसी और ने, जो हमारे पाक पीसीबी में होता है, वही सीन इन लोगों ने उसमें कर दिया होगा ऑस्ट्रेलिया टीम में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम भी फ्लॉप होती जा रही है भाई। लोग बोल रहे हैं वो जिस तरह एक फिल्म का डायलॉग था ना यार, क्या दिन आगे भिखारी के साथ सोना पड़ रहा है, यही सीन जो है ना अब आजकल ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है भाई। नीचे से रैंकिंग इसका आ रहा है भाई, टॉप टू में, नीचे से टॉप टू में। अब ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भी आए। बहरहाल क्या करें, ये मैच है, मैच में हार जीत होता रहता, मगर इतनी गंदी मैच में हार जीत नहीं होती है भाई। आप लोगों का क्या राय है? चले भाई मैं इस वक्त आया हूँ सीव्यू में, आप लोगों को सीव्यू का भाई थोड़ा मनाजर दिखा लूँ। मैंने कहा यार पूरी रात नींद नहीं आई है, तो इस भी बहाने से मैंने कहा यार मैं आप लोगों को थोड़ा सीव्यू का विजिट करा दूँ। ये है सीव्यू, समझे? सीव्यू पे मैं आता हूँ, थोड़ा एंजॉयमेंट करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा समंदर को देख लूँ, क्योंकि कहते हैं कि समंदर को देखने से है ना आपकी थोड़ी जिंदगी अच्छी होती है। सामने भी फैमिलीज बहुत आए हुए हैं भाई, ये सारी जगहों पर फैमिलीज आए हुए हैं, पिकनिक मना रहे, सुबह सुबह निकलो फैमिली के साथ। इधर भी सामने है, इधर भी कपल्स हैं भाई, हर जगह ही जगह भाई। सामने आप देख रहे हैं समंदर, समंदर भाई, ये समंदर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी देख रहे हैं भाई। ये सूरत हाल था मैच का, मैच के क्या कर सकते, पाकिस्तानियों को भी देखें। मैंने कहा यार आप लोगों को भी दिखा दें कि यार चलो और कुछ नहीं, पोर्ट देखें किसी जहाज वहाज में भाई। भाई इंडिया से आओगे कुछ और ही सामान लेकर आ जाओ। बाबर भाई ये टी शर्टें तुम लोग ले जा रहे हो, आप लोग समझ से बाहर है भाई यार, ये नहीं चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर नहीं खेलना है तो ठीक है भाई, नहीं खेलो यार तुम लोगों ने, मतलब अगर हम होते हम लोग तो भाई आउट होते उसके बाद रिव्यू भी ले लेते हैं भाई। हम लोग जो गली के क्रिकेट मैच खेलने वाले रिव्यू भी लेते, हमारे पास तो 1000 रिव्यू होते, हम लोग आउट नहीं मानते और तुम लोग बहुत आसानी से आउट हुए। फिलहाल भाई मैं तो ले रहा हूँ इस व्यू का मज़ा, आप लोगों से मिलेंगे अपने नए भी लोग के साथ। अब पता नहीं क्या सूरत हाल होगा यार इस पाकिस्तान के, जो वर्ल्ड कप के मैच के लिए भी मैं कहीं वीलॉग बनाने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से मैच देखूँ। अब मैंने कहा यार छोड़ो मैच नहीं देखना, वीलॉग वगैरह बनाएं ताकि आगे से आगे नए कंटेंट्स लेकर आऊँ। फिलहाल तो भाई इंजॉयमेंट करने दें, फिर मिलते हैं अपने नए वीलॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।